और मध्य प्रदेश के पन्ना जिले में कोविड-19 के सैंपलों की जांच में भारी लापरवाही सामने आई है। छत्तीसगढ़ के रहने वाले एक युवक के नाम से एक दो नहीं बल्कि 20 से ज्यादा सैंपल लेकर जांच करवा दी गई है, जबकि संबंधित के द्वारा अपना या अपने परिवार के किसी भी सदस्य का कोविड टेस्ट नहीं करवाया गया है। क्या है पूरा मामला, देखते हैं इस रिपोर्ट में। मध्य प्रदेश में दिन प्रतिदिन कोविड-19 की तीसरी लहर की दस्तक के बाद संक्रमण के मामलों में इजाफा हो रहा है और सरकार के द्वारा लगातार कोरोना को लेकर प्रशासन की नित नई गाइडलाइन जारी की जा रही है। बावजूद इसके स्वास्थ्य विभाग कोविड की जांच में भारी गड़बड़ी और लापरवाही कर रही है। ऐसा ही एक मामला जिले के देवेंद्र नगर से सामने आया है, जहाँ कोविड-19 की जाँच के लिए जाने वाले सैंपलों में भारी लापरवाही की गयी है। जानकारी के मुताबिक छत्तीसगढ़ के रहने वाले एक युवक के मोबाइल नंबर से एक दो नहीं बल्कि 20 से ज्यादा बार जांच करवा दी गई है। जब इस मामले को लेकर CMHO RS पांडे से बात की गई, तो उन्होंने बताया कि गड़बड़ी देवेंद्र नगर से हुई है, जहां पर अस्थायी रूप से लगाए गए डॉक्टर ने ये लापरवाही की है। बताया जा रहा है कि एक ही मोबाइल नंबर पर जो 21 लोगों की रिपोर्ट जारी हुई है, उनमें से अधिकतर अलग अलग परिवार के हैं। 21 में से एक व्यक्ति पॉजिटिव है। जांच कराने वालों में 5 साल के बच्चे से लेकर बड़े तक शामिल है। भास्कर चतुर्वेदी है, देवेंद्र नगर में काम करते हैं। आयुष्मान की वो काम के लिए रखा गया था कोविड सैंपलिंग के लिए। उनका कहना, उनका ये बात सही है कि उनका एक ही नंबर 22 लोगों में फ्लैश हो रहा दिखा है। हमने उनसे पूछा था तो उन्होंने कहा कि टेक्निकली ये कैसे हो गया है, क्योंकि एक व्यक्ति 22 लोगों के नंबर एक नहीं हो सकते। बिल्कुल सही बात है, उसमें से एक पॉजिटिव भी थे। अब तत्काल हमने नोटिस दिया, भविष्य में ऐसी पुनरावृत्ति न हो नहीं आपको कार्य से बाहर कर दिया जाएगा। वो कोई ऐसी टेक्निकल त्रुटि के कारण उनसे हुआ है, और फिर भी ये गलत बात है, ऐसा नहीं होना चाहिए। और उसमें से 21 लोग निगेटिव थे, एक पॉजिटिव था, पॉजिटिव को भी इसकी सूचना दे दी गई थी और जो भी उसका